एकदम निडर है यार, डरती नहीं है किसी से ना वो। Hey guys, welcome और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो यहाँ हम शॉपिंग करने गए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे आने वाला है और मैं उसके लिए कुछ अच्छी अच्छी शर्ट्स ख़रीदने गई थी। तो मॉल में हमें दिख गया ये कार, तो ना वो इस पर बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रही है। हमें तो लगा था कि डरेगी क्योंकि ये अभी 1 ईयर की है, बट ये बिल्कुल नहीं डरी। इनफैक्ट और मांग रही थी कि मुझे और चलाने दो। और यहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स दिख गए थे तो मैं उन्हें आइसक्रीम की ट्रीट दे रही थी। तुम ले लो श्रवण, मैं चॉकलेट ले लूंगी। हम ले ले रहे हैं, चॉकलेट खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे। छोड़ दो बात, मेरे को ना एक वनीला स्कूप और एक चॉकलेट स्कूप मिक्स कर देना भैया। अब वनीला ही क्यों ले लिए? हम देखिए हमें पे बटर स्कॉच। तुम क्यों लिए वनीला? तुमको वनीला ही पसंद है? माय फेवरेट। योर फेवरेट? व्हाट अबाउट यू? Shravan is uncomfortable right now. Why? I don't know what it is. बुला रहे हो? बुला रहे हैं इसका? इधर आओ, इधर आओ। फोटो ले। फोटो ले। Cheers. Look at mama Navu. Look here, beta. Navu, mama. Papa. De do, papa, de do. Kitna ghumegi? Kitna ghumegi? Kitna ghumegi, le? Navu. अले बाबा, यम्मी। मॉल के बाद हमने देखा कुछ और भी ऑप्शंस जहाँ बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के शॉप थे, तो हम यहाँ चले गए और हमने शॉपिंग की। ये तो ठीक लग रहा है। और दिखाइए कलर्स भैया, ब्लू में दिखाइए। ये वाला कलर अच्छा लग रहा है। आ गोदी गोदी आ मामा गोदी आ मामा गोदी आ नहीं बच पापा गोदी बच पापा गोदी नहीं मामा गोदी बेटा आई आई हाँ जल्दी आओ पापा जल्दी आओ ना वो लोला है। तुम गुच्छा हो? पापा ट्राई करने न गया है, तुम क्यों गुच्छा हो? आ रहा पापा, आ रहा है। बस पापा ट्रायल के लिए गया है, आ रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है एक साइज बड़ा दे दीजिए भैया। तो मौके का फ़ायदा उठा के नवु ने जब देखा कि मामा पापा बिजी हैं, तो नवु चली गई धीरे से ये जो दो अंकल खड़े हैं उनके पास। ये मैनिक्वी अंकल कुछ बोल ही नहीं रहे नवु को, और इतने लंबे हैं कि नवु हाथ भी नहीं पकड़ पा रही है। दोनों को पोक करती गई, फिर भी दोनों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो नवु थक हार के वापस अपने पापा के पास लौट गई। पापा, ये दोनों अंकल बहुत बोरिंग है, मुझसे बात नहीं करते। हमें इस इतने बड़े शॉप में कुछ पसंद नहीं आया, तो हम चले गए रेमंड्स के शोरूम में, और वहाँ हमें कुछ कलेक्शंस उनके बड़े अच्छे लगे। तो बर्थडे के नाम पे हमें शॉर्ट्स लेने थे, तो मेरे हस्बैंड को ये पसंद आ रहा था और मुझे दूसरा वाला, और हम दोनों कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या ले, क्योंकि दोनों का प्राइस भी बहुत कम नहीं था, 2000 के ऊपर था दोनों शर्ट। तो फिर हमने देखा कि जो ज़्यादा बेहतर रहेगा हम वही लेंगे। पहले मेरा ये अच्छा लग रहा है, ये सबसे अच्छा लग रहा है, पहले ये ट्राई कर लो। अले प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्राइस बहुत ज़्यादा रखे हुए। उधर क्यों भाग ले? वापस आओ। हाँ जा ना वो।
गाइस पूरे दो दिन के शॉपिंग के बाद हमें ये शर्ट बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने तो इसे फाइनल कर दिया। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया और फिर हमारी हो गई शॉपिंग ओवर। तो इस बर्थडे के लिए ये शर्ट परफेक्ट था। और इस रेमंड के शोरूम में हमें बहुत अच्छे कलेक्शंस मिले और हम बहुत सेटिस्फाइड और खुश हो के निकल गए। आगे जाके हमने गुप्ता चाट खाया, क्योंकि यहाँ का फेवरेट है मेरा गुप्ता चाट, और बहुत औसम ये बनाते हैं, हमेशा इन्हीं के हाथ का मैं खाती हूँ। तो ये भैया बैठे हुए थे, तो उनको मैंने बोला कि नहीं भैया आप ही बनाओ, अपने बच्चों से मत बनवाओ, आपके हाथ का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इन्होंने फाइनली मेरे लिए यम्मी यम्मी चाट बनाया। शाम का समय आ जाता है। बहुत दिनों से आप नहीं थे, मैं वेट कर रही थी। कहाँ थे? कहीं नहीं थे, गए थे दूसरे जगह। बहुत दिन हो गए थे ना, एक डेढ़ महीना दुकान खुलता था बीच में। पर जब मैं देखती थी तो आप नहीं रहते थे। बहुत दिनों से मैं वेट कर रही थी, पता 3-4 महीने हो गए मुझे। मायके आपके पास नंबर तो हो ही गया, नंबर दे दिए। नंबर नहीं, अच्छा वो नंबर कौन देकर पूछ लूंगी। चलिए भैया थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा, अच्छा खिलाया। फाइनली मैंने केक का ऑर्डर दे दिया, और इस बर्थडे में केक होने वाला है स्पेशल मेरे हस्बैंड का। तो ये आने वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।